जिले की सबसे चर्चित विधानसभा सीट चौथर में छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस विधानसभा में अधिकांश पोलिंग बूथों में सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ ज्यादा रही। इसके बाद अपहर 3 बजे तक केंद्रों में इक्का दुक्का मतदाता ही पहुंचते रहे, लेकिन शाम तक फिर मतदाताओं की कतार लगी। हालांकि मतदाताओं ने बिना किसी परेशानी के मतदान किया। इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले पंचवर्षीय की अपेक्षा मतदान कम हुआ है। वर्ष 2018 में जहां 68.74% मतदान हुआ था, तो वहीं इस चुनाव में 68.59% लोगों ने ही मत डाले। चौथर में मतदान के दौरान जो स्थिति देखने में आई, उससे साफ दिखता है कि मतदाता विभिन्न दलों में बटे बटे रहे, जिसका असर मतदान पर भी पड़ा। इससे इस विधानसभा क्षेत्र में कब कहां कौन पलटी मार जाए, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पा रहा है। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी की साख दांव पर लगी हुई है। वही मतदान को लेकर एक जिम्मेदार मतदाता होने का फर्ज भी निभाया गया, जहां चौथर विधानसभा क्षेत्र में मलपार निवासी राकेश शुक्ला की माता का 4 दिन पूर्व निधन हो गया था। इसके बाद भी शुक्ला मतदान करने पहुंचे और मतदान करना नहीं भूले, और वे अंतिम संस्कार का लोटा लेकर ही मतदान केंद्र पर पहुंचे तथा अपने मनपसंद प्रत्याशी को मत देकर लोकतंत्र के यज्ञ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। शुक्ला की इस लगन की लोगों ने सराहना की और वे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। चौथर में कुल मतदाताओं की बात करें तो 2,16,186 मतदाता हैं, जिनमें से 1,48,281 मतदाताओं ने मतदान किया। चौथर में 68.59% मतदान हुआ, जिसके परिणाम 3 दिसंबर को मतगणना में पता चलेंगे। हम आपको सही और सबसे सटीक परिणाम बताएंगे, देखना नहीं भूलिएगा 3 दिसंबर को विराट 24 न्यूज में अपने विधानसभा क्षेत्र के मतगणना के परिणाम।